वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे डेली वोकैब शो का 13वां एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है ना भूलें। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जो है वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन पूछा था, आपको सिनोनिम्स बताना था। पहला है डिबेंचर। डिबेंचर का जो है राइट सिनोनिम्स क्या होगा? डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर का जो है मतलब होता है उधार पत्र। तो उधार पत्र का जो है यहाँ पे लोन सर्टिफिकेट जो है इसका राइट सिनोनिम्स होगा, ऋण पद या उधार पद, और इसी का जो है राइट सिनोनिम्स होगा लोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है अलाई। अलाई का जो है आपको सिनोनिम्स बताना था। अलाई का मतलब होता है साथ देने वाला व्यक्ति या सहायक। तो इसका राइट जो है सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एकम्प्लिस। और एकम्प्लिस का भी मतलब होता है सहकारी या सह अपराधी। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डिफ्लेक्ट। यहाँ पे डिफ्लेक्ट का जो है आपको राइट सिनोनिम्स बताना है। बात करें डिफ्लेक्ट की तो डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि इसे टकराकर दिशा बदल देना। तो यहाँ पे राइट जो है सिनोनिम्स होगा परभट। और परभट का भी मतलब होता है पथ भ्रष्ट कर देना या बिगाड़ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट का जो है राइट सिनोनिम्स होगा परभट। हमने यहाँ पे मीनिंग जो है लिख दिया है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि इसे टकरा कर दिशा बदल देना, और फ्रस्ट्रेट किसी व्यक्ति को उत्साहित या निरुत्साह करना, चीट मतलब धोखा देना, परभट का मतलब पथ भ्रष्ट करना या बिगाड़ना। तो यहाँ पे जो है डिफ्लेक्ट का राइट जो सिनोनिम्स होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और डिप्रेस का मतलब दबाना या उदास होना। नेक्स्ट है डाडल। डाडल का जो है राइट सिनोनिम्स क्या होगा? डाडल का जो है मीनिंग होता है विलंब करना या सुस्ती से समय गवाना। और इसका राइट जो है सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लूटर जो है इसका राइट सिनोनिम्स होगा। और इसका भी मतलब होता है आवारा फिरना या मटर गश्ती करना या देर करना। तो हमने बताया डाडल का मतलब विलंब करना या सुस्ती में समय गवाना, और एसएज का मतलब आंकना या मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट का भी मतलब होता है मूल्यांकन करना। फीकल का मतलब चंचल या स्थिर, और लुइटर का मतलब होता है आवारा फिरना या मटर गश्ती करना या देर करना। तो यहाँ पे सिनोनिम्स की बात किया जाए तो डाडल का जो है राइट सिनोनिम ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का जो है मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी इसका राइट जो है सिनोनिम्स होगा एक्सेसिव। और एग्जॉर्बिटेंट का मतलब अभी बताया बहुत ज़्यादा। ऑड का मतलब होता है भीषण। रेडिक्यूलस का मतलब उटपटांग या हास्यप्रद। एक्सेसिव का मतलब होता है अधिक, और थ्रेटनिंग का मतलब डराना या धमकाना। तो यहाँ पे जो है एग्जॉर्बिटेंट का राइट सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पिवटल। पिवटल का जो है राइट सिनोनिम्स क्या होगा? पिवटल मीन्स होता है निर्णायक या जरूरी। तो इसका जो है राइट सिनोनिम्स होगा क्रूसियल। और क्रूसियल का मतलब भी होता है जरूरी या निर्णायक। अब नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो मूवेबल का मतलब चलने वाला या घूमने वाला, और इंटरनल का मतलब आंतरिक, और मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। तो यह पिवटल का राइट जो है सिनोनिम्स होगा क्रूसियल।
नेक्स्ट है बल्गर, वल्वर का जो है राइट सिनोनिम्स क्या होगा? बल्गर की बात करें तो बल्गर का मतलब होता है असभ्य, और असभ्य यहाँ पे जो है कौन सा मीनिंग डिनोट कर रहा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्स, यानी कोर्स मैंने भद्दा या असभ्य होता है। नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो थॉटलेस यानी विचार सुनो, और अनकाइंड मिस निर्दयी, और कोर्स का मतलब अश्लील, असभ्य या भद्दा, और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। तो यहाँ राइट जो है वल्गर का राइट सिनोनिम्स होगा कोर्स। नेक्स्ट अब एंटोनिम्स पे चलते हैं। लूसियस का जो है आपको एंटोनिम्स बताना है। लूसियस की बात करें तो लूसियस मीन्स होता है अत्यधिक स्वादिष्ट, और बात यहाँ हो रहा है अत्यधिक स्वादिष्ट की, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? लूसियस का जो है यहाँ पे राइट एंटोनिम्स होगा सावर, और सावर का मतलब होता है तीखा या खट्टा। नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो ड्राई का मतलब होता है सूखा, अगली क्रूप, और सावर खट्टा या तीखा, और स्टेल का मीनिंग होता है बासी भोजन। तो यहाँ लूसियस का राइट जो है एंटोनिम्स होगा सावर यानी खट्टा या तीखा। नेक्स्ट है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का जो है यहाँ पे राइट एंटोनिम्स क्या होगा? अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, और बात हो रहा है सुधार करने की, तो यहाँ पे जो है राइट जो है एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्सन, और वर्सन का मतलब होता है बदतर कर देना यानी खराब करना उससे भी। नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो लीसन का मतलब होता है कम करना, हास्टेन जल्दी करना, एक्सपेडाइट जल्दी करना, और वर्सन का मतलब होता है बदतर कर देना। तो यहाँ पे मेलियोरेट का जो है राइट एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्सन। नेक्स्ट है गॉर्जस। गॉर्जस की मतलब बात करें तो गॉर्जस का मतलब होता है शानदार या भव्य, तो इसका जो है राइट एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? इसका राइट एंटोनिम्स होगा प्लेन यानी समतल या सीधा। अब गॉर्जस का मतलब हमने बताया भी शानदार या भव्य, और डेस्परेट का मतलब निराश करना, प्लेन का मतलब समतल, फैशनेबल प्रचलित, और सम्चुअस का मतलब होता है बहुमूल्य। पर यहाँ गॉर्जस का एंटोनिम्स की बात किया जा रहा है, तो शानदार का जो है एंटोनिम्स की बात करें तो प्लेन इसका जो है राइट एंटोनिम्स होगा, क्योंकि प्लेन का मतलब होता है समतल या सीधा। नेक्स्ट है फॉर्मर। फॉर्मर का एंटोनिम्स क्या होगा? फॉर्मर मतलब होता है पहले का, तो इसका राइट एंटोनिम्स क्या होगा? बाद का, यानी लेटर जो है इसका राइट एंटोनिम्स होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पर्वियस। इम्पर्वियस का जो है राइट एंटोनिम्स क्या होगा? इम्पर्वियस का मतलब होता है अप्रभावित, जो किसी से प्रभावित ना हो। तो यहाँ पे जो है इसका राइट जो है एंटोनिम्स होगा पेनेट्रेबल। पेनेट्रेबल का मतलब होता है वेदनीय। इम्पर्वियस का मतलब क्या अभी बताया हमने? अप्रभावित, यानी जो किसी से प्रभावित ना हो, यानी जिसे भेदा ना जा सके, और इसी का राइट एंटोनिम्स होगा पेनेट्रेबल यानी वेदनीय। और बात करें हिडन की तो छुपा हुआ, टॉलरेबल सहनीय, और जेंटल मीन्स नेक। तो यहाँ राइट एंटोनिम्स हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, पहला है डेयरी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर, और दूसरा है एक्सीड। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर ले, और इसका PDF जो है डाउनलोड ज़रूर करें। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें।